2000 रुपए का नोट बंद हुआ, ये बात अब तक पूरे देश में फैल चुकी है। बैंक कर्मचारी और आम आदमी के लिए फिर से ये कोई नई परेशानी दिख रही है। नोटबंदी 1.0 के साइड इफेक्ट हम सब ने देखे, जनता कैसे लाइन में लगी, बैंक कर्मचारी कैसे परेशान हुए, विपक्ष ने सरकार को कैसे आड़े हाथों लिया। तो फिर सरकार को नोटबंदी 2.0 की जरूरत क्या थी? क्या सरकार को इससे कोई फायदा होगा? क्या वाकई ये नोटबंदी 2.0 है या फिर नहीं? इन सारी बातों को आज आपको आसान भाषा में समझाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। प्रॉब्लम ये है कि जब गवर्नमेंट कोई भी नई पॉलिसी लेकर आती है तो उसे आसान भाषा में समझाने वाला कोई नहीं मिलता। पार्टियों के और नेताओं के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, वो उसी हिसाब से बोलते हैं, पर इस वीडियो में हम आपको बहुत ही निष्पक्ष रूप से समझाएंगे। देखिए, 2000 के नोट बंद होने से दिक्कत तो आई है, ये बात हमें एक्सेप्ट करनी होगी, पर ये नोट आज ही बंद नहीं हो रहे। इसके लिए सरकार ने 4 महीने का टाइम दिया है। जब पहले नोटबंदी हुई थी तो विपक्ष ने कहा था कि सरकार अगर काला धन रोकने के लिए 500,000 के नोट बंद कर रही है तो फिर 2000 का नोट लेकर क्यों आई? इससे तो काला धन और जमा होगा, यानी पैसे रखने की उतनी ही जगह में दोगुना पैसा रखा जाएगा। जो पहले घर में 10 लाख रुपए छुपा कर रखता था वो अब 20 लाख रुपए आराम से रखेगा। पर अब जब फिर से नोटबंदी हुई है तो लोग जो काला धन इकट्ठा करके रखते हैं उन्हें बड़ी परेशानी होगी। वो समझ जाएंगे कि नोटों का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी बंद हो सकते हैं, तो वो बर्बाद हो जाएंगे। आगे से वो टैक्स पे करके व्हाइट मनी ही रखेंगे। लगता है कि सरकार ने इसकी तैयारी पहले से ही कर ली थी, क्योंकि मार्केट से 2000 के नोट लगभग गायब ही हो गए थे। ATM मशीन से भी आपको 2000 के नोट नहीं मिलते थे, बैंकों में लेन देन के दौरान भी आपको 2000 के नोट नहीं मिलते थे। वो या तो RBI ने बैंकों से धीरे धीरे वापस ले लिए या फिर टैक्स चोरों के ठिकाने पर पहुंच गए थे। तो चिंता उन्हें करने की जरूरत है, आप और हम जैसे आम आदमियों को नहीं। हमारे पास तो पहली नोटबंदी में भी पैसे नहीं थे और अब भी नहीं है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।